ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 7 कलर में वॉल पुट्टी की है। अगर आप इस तरीके से पुट्टी करते हैं तो आपको पेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका पेंट का खर्चा बच जाएगा और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इसके ऊपर जब भी मर्जी हो आपकी पेंट करवा सकते हैं। और ये घर के अंदर वाले हिस्से में ही यूज होना है, यानी कि इंटीरियर में, एक्सटीरियर में इसका प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि एक्सटीरियर में यह रंग उड़ जाएंगे। इसलिए इस तरह के रंग आपको घर के अंदर वाले हिस्से में ही यूज करने हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि दीवार में अगर आप पुट्टी करते हैं और अभी आपको कलर नहीं करवाना है, पेंट नहीं करवाना है, तो आप वॉल पुट्टी में ही कलर मिक्स करके उसको पेंट वाली लुक दे सकते हैं बिना पेंट किए हुए। सबसे पहले दीवार पर हमें पट्टे वाला रेगमाल मारना है। प्लस्तर हमारा थोड़ा सा पुराना हो गया है, इसलिए इसमें जंग जुंग लगी हुई है, तो जंग वगैरह भी हम साफ़ कर लेंगे अच्छी तरह से रेगमाल मार के। उसके बाद में थोड़ा सा इसको पानी से भी साफ़ कर लेंगे, अगर आपका इस तरह का प्लस्तर है तो। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की पेंट और पॉलिश की वीडियो हमेशा मिलती रहती है। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो अभी हमने दीवार तैयार कर ली है, अब हम कलर बना लेते हैं। पहले देखिए, हमने 5 ग्लास लिए हैं और 5 कलर लिए हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा कलर है फास्ट रेड, ये 50 ग्राम के है, इसकी MRP है 53 रुपये। यह है ऑरेंज, ये भी 50 ग्राम के है, इसकी MRP है 49 रुपये। और ये है ब्लैक, इसकी MRP है 58 रुपये, 50 ग्राम की ये भी है। और ये है येलो ऑक्साइड, इसकी MRP गायब हो गई है, ये भी लगभग सेम ही होगा रेट में। और ये है फास्ट ब्लू, ये 200 ग्राम की है, इसकी MRP 144 रुपये। और ये है फास्ट येलो, इसकी MRP है 144 रुपये, 200 ग्राम की पैकिंग है ये। हम ये सारे कलर पुट्टी में मिक्स करेंगे और फिर वॉल पुट्टी करेंगे दीवार पर। सबसे पहले हमारे पास है रेड, फास्ट रेड, इसको आप जितना डार्क करना चाहते हैं पुट्टी को उतना ही आप इसमें कलर मिक्स कीजिए। हमारा हमने बस सिंपल सा बनाना है, तो हमने थोड़ा थोड़ा ही ऐड किया है और पानी भी हमने थोड़ा थोड़ा लिया है। ये दूसरा है ऑरेंज हमारा, ये देखिए ऑरेंज है। जब आप इनको वॉल पुट्टी में मिक्स करेंगे तो ये सारे कलर लाइट हो जाएंगे। और तीसरा है हमारे पास ब्लैक, ये ब्लैक है। और चौथा है हमारे पास येलो ऑक्साइड, येलो ऑक्साइड। और ये पांचवा है फास्ट ब्लू। अब सभी कलर को हम अच्छी तरह से घोल लेंगे, पानी में मिक्स कर लेंगे पूरा। अभी हम दीवार के ऊपर टेप लगा लेते हैं ताकि ये हमें अलग अलग दिखाई दे अच्छी तरह से। टेप लगाने के बाद में सबसे पहले हम वॉल पुट्टी को ऑरेंज कलर में बना रहे हैं। देखिए ऑरेंज कलर है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप वॉल पुट्टी ले सकते हैं। जैसे आपको कमरा करना है तो उसी हिसाब से आपको रंग बनाना है। ये रंग आपको एक बार में ही घोल के रख लेना है। जैसे आपका 10 लीटर लगना है, 5 लीटर लगना है, तो उसी हिसाब से इसको घोल के रख लेना है। जितना भी आपको डार्क करना हो, लाइट करना हो, उस हिसाब से इसको कर सकते हैं। ये देखिए ऑरेंज बना लिया है हमने और कलर देखिए इस तरह का हो गया है इसका। अभी सूखने के बाद में ये और भी लाइट हो जाएगा। जब हम वॉल पुट्टी लगाएंगे दीवार पे, जब सूख जाएगा तो ये लाइट हो जाएगा। अब देखिए ये इस तरह का कलर अभी दिख रहा है, सूखने के बाद में यह लाइट हो जाएगा, ऑरेंज कलर है ये। और भी अगर डार्क करना चाहते हैं तो इसमें आप और भी कलर ऐड कर सकते हैं, जैसा भी आपको रखना हो लाइट डार्क, उस हिसाब से इसको रख सकते हैं। बस इसमें रंग ही मिला है, बाकी सारा प्रोसेस सेम ही होगा पुट्टी करने का। अभी दूसरा कलर बनाते हैं हम, दूसरा है हमारा ब्लैक। इससे ग्रे टोन आएगी, ब्लैक से ग्रे टोन आती है। वॉल पुट्टी आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, ओरिजिनल कंपनी जो भी हो, जैसे JK हो गई, बिरला हो गई, इनका प्रयोग कर सकते हैं आप। और इसकी MRP वॉल पुट्टी की MRP होती है लगभग 20 किलो की 400, 450 के आसपास मिलता है आपको। कंपनी के हिसाब से थोड़ा बहुत रेट का फर्क पड़ता है। ये देखिए अब इससे ग्रे टोन आएगी। इस वॉल पुट्टी के हमें 2 कोट करने होते हैं लगभग, 2 कोट में पूरा सेट हो जाता है। बाकी आप चाहें तो तीसरा भी मार सकते हैं, दिक्कत कोई नहीं है।
और इसके बाद में कलर करने के बाद में अगर आप पेंट करना चाहते हैं तो पेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे हम नॉर्मल वाल पुट्टी पे यूज करते हैं पेंट को, वैसे ही इसके ऊपर भी यूज करेंगे। अभी तीसरा हमारे पास है फास्ट ब्लू, और ये चौथा हमारे पास है येलो ऑक्साइड, येलो ऑक्साइड। और ये पांचवा है फास्ट रेड, फास्ट रेड। अभी मैं आपको एक कलर और बना के दिखाता हूँ, पैरेट ग्रीन। पैरेट ग्रीन बनाने के लिए हमने लिया है फास्ट येलो और इसमें मिक्स करेंगे थोड़ा सा हम ब्लू, फास्ट ब्लू, दोनों मिक्स करके ये पैरेट ग्रीन कलर बन जाएगा। ये देखिए हमारा पैरेट ग्रीन कलर बन चुका है, अब इसको हम लगाएंगे। ये देखिए जैसे जैसे कलर सूख रहे हैं वैसे वैसे लाइट हो रहे हैं सारे, सूखने के बाद में पूरा प्लेन दिखाई देंगे, पेंट के जैसे दिखाई देंगे, इसमें कोई दाग धब्बा नहीं दिखाई देगा आपको। बस आपको मिला लेना है, मात्रा का आपको ध्यान रखना है। एक और हम कर देते हैं वाइट। ये देखिए जब हम प्योर वॉल पुट्टी करते हैं तो वाइट लुक होती है बिल्कुल। अभी इन सभी को सूखने देते हैं, उसके बाद में हम इसकी टेप निकालेंगे फिर दिखाएंगे आपको। ये देखिए सारे कलर हो चुके हैं हमारे। अभी इसको सूखने देते हैं, उसके बाद में आपको दिखाते हैं फिर। ये देखिए अभी हमारा पूरा सूख चुका है और कलर आप देख सकते हैं किस तरह के कलर हैं सारे। अभी हम इसकी टेप निकाल लेते हैं जिससे कि इसकी लुक थोड़ी सी बढ़िया दिखाई देगी। ये देखिए कुछ कुछ पुट्टी टेप के अंदर भी चली गई है क्योंकि प्लास्टर हमारा कोरा था और पुराना भी था जिसे टेप पूरी तरह से चिपकी नहीं थी। तो अभी हम पूरी टेप निकाल देते हैं और अभी आप इसकी लुक देखिए बिल्कुल पेंट की तरह दिख रहा है ये। अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि पेंट हुआ है या पुट्टी हुई है। कोई नया बंदा अगर आपके घर पर आएगा तो उसको नहीं पता होगा कि इसके ऊपर पेंट नहीं हुआ है, वॉल पुट्टी में ही कलर मिक्स हुआ है। अगर आपका बजट कम है तो इस तरीके से भी आप पेंट वाली लुक दे सकते हैं अपनी दीवारों को। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में।